तो दोस्तों, जब आपको फ्री टाइम मिलता है और YouTube में वीडियो देखने का मन करता है, तब आप अपने मनपसंद वीडियो को YouTube में सर्च करके देखते हैं। और मैं भी अभी की तरह ऐसा ही करता हूँ। और YouTube के एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, जिस टाइप के वीडियो आप देखेंगे उसी टाइप के वीडियो आपके YouTube के होम पेज में शो होगा। तो दोस्तों, मैं तो आपके लिए कॉइन्स और नोट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो जाहिर है कॉइन्स और नोट से रिलेटेड वीडियो ही मैं ज़्यादा देखता हूँ। और ऐसे ही कॉइन्स और नोट से रिलेटेड वीडियो देखते देखते मैंने एक वीडियो में देखा, एक बंदा अपने वीडियो में बोल रहा है कि ऐसे 20 पैसे कमल वाला कॉइन का प्राइस है 5 लाख रुपया। और सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, वो अपने वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर दे रहा है और कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा 20 पैसा है तो वो खुद खरीदेगा 5 लाख रुपए में। और दोस्तों, मुझे पहले से ही पता है इस टाइप के फ्रॉड वीडियो से वो लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो को देखा क्योंकि ये लोग फ्रॉड करने का नया नया तरीका लाते रहते हैं और ये तरीके को समझना भी ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये लोग आपके इमोशन के साथ कैसे फ्रॉड करते हैं। दुनिया में पैसे की ज़रूरत सबको है और ये लोग यही चीज का फायदा उठाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में। ऐसे कॉइन का फोटो ये लोग दिखाते हैं जो कॉइन लगभग सभी के पास अवेलेबल है और लालच देते हैं पैसे का, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, मतलब कोई लिमिट नहीं। जैसे पैसे का पेड़ लगा है उनके घर में, लोग कॉइन देंगे और वो पेड़ से पैसे उतार के उनको दे देंगे। दूसरी स्टेप में जिन जिन के पास वो कॉइन है वो लोग उस फ्रॉड को कॉल करेंगे और वो फ्रॉड उनको व्हाट्सएप नंबर देंगे और कहेंगे आप अपना कॉइन का फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अब है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में वो आपके कॉइन का फोटो देखेगा और देखने के बाद आपको कहेगा इस कॉइन का आपको मिल सकता है 2 लाख रुपया। और ये वो जानबूझ के कहेगा क्योंकि ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि पहले कहाँ था 5 लाख और 5 लाख के बाद फिर कहाँ 2 लाख, और आपको भी लगेगा चलो कोई बात नहीं, 2 लाख तो मिल रहा है। अब आता है चौथा स्टेप, और चौथा स्टेप में वो फ्रॉड आपसे कहेगा आपका कॉइन ओरिजिनल है या नहीं, इसलिए आपके कॉइन को टेस्ट करना पड़ेगा। और जो कंपनी आपके कॉइन का टेस्ट करेगा उस कंपनी में पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए 2000, 3000, जो भी जितना भी चाहता है उतना पैसा मांगता है। लेकिन दोस्तों, आप भी कम नहीं और हम भी कम नहीं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो 2 लाख मुझे मिल रहा है उसी 2 लाख से आप रजिस्ट्रेशन फी काट लीजिए। और दोस्तों, यहीं पे आएगा एक और खेल। वो फ्रॉड क्या कहेगा? वो फ्रॉड कहेगा ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स मुझे भेज दीजिए। और ये बात दोस्तों सबसे खतरनाक है, अगर आप अपना कोई भी डिटेल्स उनको भेजते हैं तो ना जाने फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई कॉइन है और आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीक के कॉइन एग्जीबिशन में जाइए और इस तरह के फ्रॉड से हमेशा बच के रहिए और दूसरों को भी अलर्ट कीजिए। आइए अब जानते हैं ऐसे कमल वाला 20 पैसे का सही कीमत। सबसे पहले इस 20 पैसे के सेंटर में एक कमल का फोटो है, लेकिन फिर भी ये 20 पैसा कमोडिटी कॉइन नहीं है, ये 20 पैसा एक डेफिनेटिव कॉइन है। और ऐसे कमल वाला 20 पैसा जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था 1968 से 1971 तक। मेटल है एल्यूमिनियम ब्रोंज, वेट है 4.5 ग्राम और डायमीटर है 22 mm। और ऐसे कमल वाला 20 पैसा 1968 कैलकाटा मिंट और 1969 कैलकाटा मिंट, यही दो कॉइन स्कैर कैटेगरी में आता है। एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 1968 और 1969 कैलकाटा मिंट स्कैर डेट का प्राइस है 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़। और जितना भी डेट है, जैसे मेरे हाथ में है 1970 का कॉइन, कंडीशन जैसा है इस कॉइन का मुझे 5 रुपया भी नहीं मिलेगा, 5 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, मैंने डिटेल में आपको बताया ऐसे फ्रॉड से बच के रहिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कॉइन्स और नोट से रिलेटेड ऐसा ही जानकारी मैं अपने चैनल में देता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।